नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 39, 40, 41, 42 पर चर्चा करेंगे। कुलाक्षे पश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम उच्छेसनम अधर्मो अभि भवतेता। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध में कुल के नाश से कुल का सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। धर्म के नष्ट हो जाने पर पूरे समाज में अधर्म बढ़ जाएगा। अधर्म अभी भवात् कृष्ण प्रतिशन्ति कुला स्त्रीश स्त्रीषु दुष्टाशु वारणस्नेहा जायते वर्णा संक्रह। इस श्लोक में अर्जुन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अधर्म बढ़ने से कुल की अर्थात परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियों के दूषित होने से जातियों का मिश्रण पैदा हो जाएगा, अर्थात युद्ध के बल पर शारीरिक विनाश ही नहीं बल्कि समाज की नैतिकता को भी नुकसान पहुँचेगा। संकरो नारकायु कुल अधनम कुलश्य च पत्यन्ति पित्रो हेषां लुप्ता पिंडो दुखा किया। वर्ण संकर से परिवार नष्ट और कुल के लिए नरक निश्चित होता है। उनके पूर्वज अर्थात पितृ पिंडदान और जल अर्पण के अभाव में गिर जाते हैं, अर्थात युद्ध का प्रभाव वर्तमान पीढ़ी पर ही नहीं बल्कि पूर्वजों पर भी पड़ता है। दोषे रियते कुल धनानम वर्ण संकर करके उत्साहते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वत, अर्थात कुल जातियों के द्वारा उत्पन्न वर्ण संकर के दोषों से जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद। गीता की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राधे राधे।